अस्सलाम वालेकुम। सेवन क्लास सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 और 2.3 एक्सरसाइज, जिसका चैप्टर वाइज लेक्चर नंबर 7 है। अच्छा, आज हमने बड़ा इंपॉर्टेंट एक अहम सवाल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर और दूसरा होता है असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप काउंटिंग शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये है असेंडिंग। और अगर मैं कहूँ जी पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये होगा डिसेंडिंग। तो इनको आपने अरेंज करना है, सबसे पहले छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। अब मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। दो नंबर हो तो हम वो सिंबल लगा आगे चेक कर लेते हैं। ये तो तीन फ्रैक्शन है। अगर तीन दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस आ जाएं और उनको अरेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, उनके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाते हैं। 2, 3, 9 इनके फैक्टर्स बनाए। 2 1 ज़ा, इसको भी ऐसे उतार लें, इसको भी ऐसे। 3 1 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 18। ये आप सबको आता होगा। अब ये काम करना है आपने, 18 यहाँ नीचे हर एक के बनाना है। कैसे? आप 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, ऊपर भी 9 से करें। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करें। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करें। यानी कि आप जो जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बन गया, देखिए ऊपर 9/18, 12/18, 16/18। अब सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब जो नोमिनेटर में लिखा है उसके मुताबिक अरेंज कर लें। आप हेडिंग दे दें, इट्स डिसेंडिंग ऑर्डर इज़, सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लिख दिया मैंने। अब मुझे ये तो आंसर चाहिए नहीं, मैं तो अरेंज करना था इनको। तो अब मैं इनको इनकी अपनी असल शक्ल में लिखूँगा। मैं यहाँ लिखूँगा इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज़, इनकी जो अपनी असल शक्ल है वो ये है। 16 अरेंज होने से पहले किस नंबर पे था? तीसरे नंबर पे। ऊपर से तीसरे नंबर पे 8/9 देख के लिख दें। 12/18 अरेंज होने से पहले सेंटर में था, सेंटर वाला लिख दें 2/3। और जो बच गया ये 9/18 फर्स्ट नंबर पे था, फर्स्ट नंबर 1/2 है, ये देखें तो 1/2 लिख दें। तो ये हमने डिनोमिनेटर सेम करके इनको अरेंज करने का एक तरीका बनाया। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, इनका भी डिनोमिनेटर के आप फैक्टर्स बनाएं तो आएगा 2, 3, 7, यानी 42। 42 आपने नीचे ही बनाना है और ऊपर जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उससे ऊपर भी कर दें। 7 6 42, तो 4 6 24, 3 14 42, 1 14 14, 6 7 42, 5 7 35। देखें सेम हो गए हैं, इट्स डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर 24 वाला, फिर 14। ये अरेंज होने से पहले था थर्ड में, तो थर्ड में था 5/6, यहाँ 5/6 लिख देंगे आगे हम। ये अरेंज होने से पहले था फर्स्ट नंबर पे, तो फर्स्ट नंबर पे 4/7 लिख देंगे। और जो बच जाएगा 1/3 वो हम लास्ट में लिख देंगे। तो आप देखिए अगले कॉलम, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ 5/6, 4/7, 1/3। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है, उसके दो पार्ट थे, मैंने तीन पार्ट थे एक करवाए हैं, इसके दो पार्ट थे, मैंने तीन पार्ट थे, मैंने इसके दो करवाए। अरेंज दी असेंडिंग ऑर्डर। अब अपने छोटा नंबर पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखें। कैसे? 5, 10, 15 के फैक्टर्स बनाएं और सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 30 आएगा। 30 आपने नीचे बनाना है तीनों में। 5 6 ज़ा, तो 4 6 ज़ा, 10 3 ज़ा, ऊपर 1 3 ज़ा, 15 2 ज़ा, ऊपर 2 2 ज़ा, यह आ गया 24/30, 3/30, 4/30। अब इनको अरेंज करें, इट्स असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले छोटा नंबर 3, आपने अरेंज करना है नोमिनेटर ऊपर वाले नंबर के लिहाज से, क्योंकि नीचे वाले सेम हो गए हैं। सबसे पहले 3/30, 4/30, फिर 24/30। अब अरेंज होने से पहले ये था सेकेंड नंबर पे, सेकेंड नंबर पे है 1/10, 1/10 लिख दें। और ये था थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे 2/15 है, 2/15 लिख दें। जो बच गया 4 2 4/5, वो एंड पे लिख दें। ये था आपका बच्चों आज का लेक्चर, जिसमें मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग और दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस को तरतीब देना सिखाया है। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। जो पार्ट रह गए हो आप ज़रूर कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।